Assalamu alaikum, my name is Natasha Qizilbash and I run an Instagram page called If Nat Can Cook. To be honest, main ek kisam ka khana nahi banati aur na hi pasand karti hun. I like to make a lot of different kinds of things. Fusion cooking, jaise ke Pakistani khane mein thoda sa angrezi mix ho jaye, Italian mein thoda sa Burmese ho jaye, Chinese mein thoda sa Pakistani aa jaye. Sirf ladkiyon ke liye zaruri nahi hai khana banana. It is very important for boys to also learn how to cook. It's not a gender thing. Aaj main soch rahi thi main aap logon ke liye rice banau. Ye hai wo rice jo har restaurant mein available hai. Isko kehte hain fried rice. And you can make it with chicken, you can make it with vegetables, beef, prawns. But main aapko aaj simple fried rice sikhaungi. Cooking itna mushkil nahi hai. If Nat can cook, so can you. सब्जियों के लिए आपको चाहिए एक कप कैबेज, आधा कप कैप्सिकम, एक कप स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से बेजल लीव्स जिसको तुलसी या न्याज वो भी कहते हैं, बट वो ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू, यू डोंट हैव टू यूज़ इट. हाफ अ कप ऑफ चॉप्ड अप कोरिएंडर, धनिया एंड 3/4 ऑफ अ कप ऑफ कैरेट्स, उसको आप डाइस कर लें छोटे पीसेज में. मैंने दो अंडे लिए हैं, उसको फेंट के रख लिया है और उसको मैंने सीजन किया है काली मिर्च और नमक के साथ. इसके साथ मैंने रखा है 2 tablespoon chopped up garlic, which is very important. मसालों में मैंने रखा है 1/2 teaspoon of red chili flakes, कुटा हुआ लाल मिर्च, 1/2 teaspoon black pepper, 1/2 teaspoon sesame seeds जिसको कहते हैं तिल, 1/2 teaspoon sugar. So I'm going to start off with the oil. और जब oil बहुत ही गर्म हो जाए इसमें आपने डालना है लहसुन. यू हैव टू मेक श्योर कि ये जल नहीं जाए. अब हम ऐड कर रहे हैं मसाले. इसको हल्का सा भूनना है और इसको जलाना नहीं है. दिस इज़ अ स्टर फ्राइड डिश, तो चूल्हा हल्की आंच पे ना हो. ऑल स्टर फ्राइड डिशेज आर मेड ऑन मीडियम टू हाई हीट. नेक्स्ट अप इज़ कैरेट्स. और मैं गाजर इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि गाजर को ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने में एज़ कम्पेयर टू द अदर वेजिटेबल्स. अच्छा सा इसको सॉटे कर लें, ओनली अबाउट अ मिनट. जब ये अच्छे से सॉटे हो जाए आपने ऐड करना है कैबेज और कैप्सिकम. कि आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं बट मेरे पास आज ये था. यू कैन ऑलवेज ऐड चाइनीज कैबेज एंड लॉट पीपल आल्सो ऐड टोमेटोज बाय द वे, आई क्वाइट एंजॉय दैट. लेकिन आज मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले. ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है. अब हम इसमें डालेंगे राइस. I like to use all the danas because हर दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और मैं ज़रा भी ज़ाया नहीं करना चाह रही. Normally मैं stale चावल use करती हूँ, कोई पुराने चावल फ्रिज में पड़े हों. They actually taste better than fresh rice. तो जब भी आपको लग रहा हो कि आपके चावल waste हो रहे हैं तो आप fried rice बना लें. Mix it really really well and next I'm gonna add the sauces. Soya sauce. Oyster sauce, sirka. इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और मुझे अभी खुशबू आने लग गई है. इट्स स्मेलिंग रियली गुड. अब आपको इसमें ऐड करना है स्प्रिंग अनियंस. एंड इफ यू नोटिस मैंने सामने का हिस्सा वाइट पार्ट को छोटा रखा है एंड ग्रीन पार्ट को थोड़ा सा बड़ा. Spring onions are amazing. I use it for a lot of dishes I make. Whether it calls for spring onions or not, I love it. Spring onions को आप ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, तो आप उस वक्त डालेंगे जब आप खाना खा रहे होंगे. बार बार गर्म करने से spring onions ख़राब हो जाते हैं और खाने को भी ख़राब करते हैं. Next up is coriander. Okay, this is optional. Basil leaves. I love it. You get it in मैनी प्लेसेज इन पाकिस्तान ना. उसको तुलसी भी कहते हैं, न्याज भी कहते हैं. अगर आपके पास थाई बेजिल लीव्स हों तो आप इस वक्त इस्तेमाल कर लें बिकॉज दे हैव अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड दे ऐड टू इट. इसको अच्छे से मिक्स कर लें एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो एवरीबडी दैट आई फाउंड बीन स्प्राउट.
ये हर जगह नहीं मिलता है, बट दिस इज़ अ बोनस इंग्रेडिएंट. इफ़ यू हैव इट, आई मस्ट इंसिस्ट कि आप उसको यूज़ करें. बीन स्प्राउट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज थाई क्यूजीन. एंड द लास्ट थिंग वी नीड टू ऐड टू दिस इज़ द ऑमलेट दैट आई एम गोइंग टू मेक. चूल्हे से हटा लें और एक फ्राई पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून भी बहुत है. एंड जब ये गर्म हो जाए इसमें आपने एक ऑमलेट बनाना है. था आपने 2 अंडे लेने हैं, उसको फेंट लेना है. एंड यू कैन सीजन इट विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट. लेट्स मेक द ऑमलेट. फिर आप इस ऑमलेट को छोटे पीसेस में कर लें एंड जस्ट लाइक दैट दिस इज रेडी. एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू बी चेकिंग फॉर सीजनिंग. अगर आपको लगे कि सॉल्ट कम है, because everybody has a different you know taste for salt and pepper. agar aapko lage mirchi ya kali mirch kam hai, lal mirch kam hai, to aapne is point pe dalna hai. and you know another tip, you can also add some lemon juice. it's quite yummy. and this is ready guys, absolutely ready. okay, phir main aapko dikhati hu how to plate this. i've mixed it up really well and i'm going to lay it on this dish. and kitna colorful lag raha hai. Don't you think? Okay, let's make this easy. अब इसको गार्निश करते हैं. थोड़ा सा धनिया, थोड़े बीन स्प्राउट, थोड़े से लीव्स. दिस इज ऑप्शनल गाइस, इफ यू फाइंड इट वेल एंड गुड, इफ यू डोंट डोंट वरी अबाउट इट. एंड सम स्प्रिंग अनियंस राइट एट द एंड. आई वांट यू टू स्प्रिंकल सम रेड चिली फ्लेक्स. This dish is ready.